परिजनों ने गीतानंद शिशु अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। किशनगढ़बास के कुम्हारवाटी मोहल्ला निवासी रामकिशन प्रजापत ने बताया कि शनिवार 14 सितंबर को अपनी बेटी नैना के इलाज के लिए गीतानंद शिशु चिकित्सालय में बेटी को भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टर ने उनको उपचार के लिए भर्ती कर लिया, लेकिन आज सुबह बेटी नैना को स्वस्थ बताकर छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद परिजन बेटी को लेकर अपने घर पहुंच गए। कुछ देर बाद ही अचानक से बेटी की तबीयत खराब हो गई। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से बच्ची को आनन फानन में फिर से गीतानंद शिशु जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को दोबारा से भर्ती कर लिया, लेकिन देर रात करीब 8 बजे के समीप बच्ची ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बच्ची किशनगढ़ की है। उसके पिता का नाम मेरा नाम रामकिशन है। मेरी लड़की है, 9 साल उम्र है। कल मैंने इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जब मैं कल इसको अस्पताल लेकर आया था, कल इसको भर्ती भी कराया था। इसमें इन्होंने भर्ती भी कर ली, 2-3 गोली दी और 2-4 सुआ लगाया, जैसे भैंस का लगाते हैं सुआ, इसमें तेज सुआ लगाते हैं। आदमी को बहुत जोर से, बच्ची कह रही है दर्द हो रहा है, नहीं मानते इनको, तू डॉक्टर है क्या? मैं डॉक्टर हूँ। हम कह धीरे धीरे लगा लो, बाढ़ के नस कच्ची है, अब एकदम से इंजेक्शन घुसाए और कहे नाम आज सुबह छुट्टी दे दी। कल कितनी बजे भर्ती करवाया था आपने? भर्ती करवाया था हमने 9-10 बजे के टाइम में, सुबह के टाइम। आज कितने बजे छुट्टी दी है? इन्होंने दी 2-1 बजे की, दोपहर को। 1 घंटा जाने का लगता है मेरे मोटरसाइकिल से। क्या कहा छुट्टी दी जिस समय की बच्ची की तबीयत कैसी? ये तो बच्ची से पूछे, बच्ची कहे, बच्ची डर के मारे कह देती है ठीक है, सुई से डर लगे वो उनको ठीक है। डॉक्टर बच्ची से पूछते, हमारी राय तो लेते नहीं इन कमजोरों के। तबीयत कैसी है? हाँ अच्छा, हम बताते जब ना, तुम के जानो, बच्ची जाने। बच्ची ने अपने आप को सही बताया तो डॉक्टर ने छुट्टी लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के घर ले गया था। घर ले जाने के बाद में छोरी सांस लेने में दिक्कत हुई, जब दोबारा मैंने मोटरसाइकिल उठाई, जब दोबारा लेकर आया, दोबारा आते यहाँ जी के एडमिट करवाई। एडमिट करवाने के बाद में इंजेक्शन लगाया, जब छोरी घबरा रही है, उल्टी कर रही नहीं आ पा रही, बस भूख के साथ खून आ रहे हैं। फिर इन्होंने गोली दे दी उल्टी की, उल्टी का इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी उल्टी नहीं रुक रही है। कितने बजे दम तोड़ा बच्ची? बच्ची ने 9-8 बजे से दम तोड़ा और रोती रोती हाथ जोड़ती गई है, ले चल घर। लापरवाही डॉक्टर की। क्या चाहते हो आप सरकार से? हम तो ये चाहे कि भाई इंसाफ होना चाहिए, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? रामकिशन। क्या लगते हैं बच्ची की? पिता जी नाम है नेहा, इसका नाम नैना, किशनगढ़ के रहने वाला है। तो कल इसको भर्ती करवाए थे, कल हम जांच करवाई, तो कल डॉक्टर ने कह रहे था इसमें खून नहीं है, तो कल बता देता इसे को प्रॉब्लम नहीं जानता डॉक्टर, जब सारी जांच करवा रहा है तो पता है खून कितना है कितना नहीं है, हैं? फिर इन्होंने चल ठीक है, कल इन्हें स्वास्थ्य छुट्टी दे दी, आप ले जाओ इसको। हम छुट्टी घर भी नहीं कहते, घर अल्ट्रा वापिस लेकर यहाँ ले आया, यहाँ भर्ती नहीं कर रही जल्दी, सॉरी हाथ जोड़ रही, जाकर तबियत खराब, अंकल लोग बचा लो, जब भी समय नहीं कर रहा, जब हालत ज्यादा खराब हुई है, जब लेकर भागा इस बच्ची में कुछ नहीं दे रहा, जब कई फायदा बच्चा, फिर क्या बात का डॉक्टर है? फिर कल आपने बच्ची को भर्ती करवा और आज छुट्टी दे दी? आज छुट्टी दे दी इन्हें। क्या कहा डॉक्टर ने छुट्टी दी? नुकसान सही है, तो घर जाता आप नहीं कह रहा बच्ची में खून नहीं है, घर जाता खून कम होगा उसमें। अच्छा, दोबारा जब आप वापस लेके जब बताया, हाँ खून कम है इसमें, आज इसमें खून नहीं है, खून टेस्ट करवा, तो कल भी सारी जांच हुई, कल भी कहता कि इसमें खून नहीं है, हम तो कहीं से ला कर देते हैं, पर बच्चे खून छड़ाते हैं हम उनके। फिर डॉक्टर ने अभी ये बात डॉक्टर कई बार के, फिर इतने अब नहीं जान रही है, सरकार ने नहीं बना दिया। फिर ये डॉक्टरों की लापरवाही है, डॉक्टर आज हमारे साथ ही कोई और साथ भी होगी, हैं? क्या कार्रवाई चाहते हो उसके खिलाफ आप? कार्रवाई भाई करेगा, आप बताओ क्या चाहते हो सरकार? इंसाफ चाहिए हमारे को, तो हाँ इंसाफ चाहिए इसके लिए। कितने बजे की घटना है? बच्ची कम होती है? 8 बजे की। हाँ क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या लगती है बच्ची का? बुआ जी लगते हैं।